यहाँ गद्दा बनाने का काम चल रहा है। देखो गद्दा बनाने के रुई की धुनाई हो रही है, रुई धुनाई होने के बाद इसको गद्दा में भर के फिर उसको सिलाई होती है। सिलाई के लिए जो कारीगरी रखे हैं, देखिए वहाँ से रुई निकाल रहे हैं, जो रुई की गंदगी वगैरह होती है वहाँ से निकल जाती है। एक कच्चा माल है, इसमें तरह तरह के कतनवारी जैसे कपड़े वगैरह की जो होती है वो लाते हैं। देखिए यहाँ कच्चा माल रखा गया बना के, ये सब गद्दे में डाल के जो है सिलाई होगा। इसी से बेड वाले गद्दे और तरह तरह के गद्दे तैयार किए जाते हैं जो बाजार में बेचे जाते हैं। आप यहाँ का मालिक हो वहाँ जी? आप मालिक यहाँ के हैं? हाँ। अच्छा, धंधा आप कब से लगा लिया वहाँ? आना लगभग हो गए 2 माह। 2 महीना? हाँ। इससे पहले आप कहाँ लगाए थे? आसाम गुवाहाटी। आसाम गुवाहाटी। अच्छा, ये कारीगर आपके कहाँ, यहीं आसपास के हैं? कारीगर ही हम हैं। जैसे लोकल कारीगर आप यहाँ कुछ रखे हैं आसपास के हमारे? नहीं नहीं नहीं, सब बाहर के ही हैं। सब बाहर के ही रहे। आसाम के ही हैं? इधर अमरोहा जिला। अमरोहा जिला के। ये कच्चा माल कहाँ से लाते हैं आप? कच्चा माल यहाँ से ही खरीदते हैं, लखनऊ से। अच्छा, ये जब माल आप गद्दा वगैरह बनाते हैं इसको कहाँ बेचते हैं? ये मालिक ही बेचते हैं। कहाँ बेचते हैं? ये मार्केट में। हाँ, मार्केट में सब। तो यहाँ से देखिए कच्चा माल, यहाँ इलेक्ट्रिक की जो है सारा काम इलेक्ट्रिक के जरिए होता है, क्योंकि बिना बिजली का कोई काम ही नहीं होता। अगर बिजली नहीं, जनरेटर का सुविधा भी ले सकते हैं, इंजन का भी सुविधा ले सकते हैं। तो थोड़ा इसमें हार्ड वर्क है, देखिए कितनी मलम है, गंदगी उड़ती है। मास्क लगा के काम में करना जरूरी है, पर अभी भाई साहब मास्क नहीं लगाए, अभी इसके बारे में पूछते हैं। देखिए रुई धुन उठी है, ये धुनने के बाद ये काम जो सारा हो जाएगा। अभी लगभग माल तैयार है, इसके बाद जमावट जो है इसमें डाल दिया जाएगा। अभी माल भैया तैयार है, माल जो आप निकाले वहाँ वो तैयार माल अब है? हाँ, तैयार माल है। तो आप मास्क क्यों नहीं लगाते? मास्क लगा ले, गंदगी उड़ रही है। मास्क लगाते हैं, अभी धो करके डाला है, गंदा हो जाता मास्क, अभी धो करके डाला है। इसमें बीमारी भी ज्यादा होगी? नहीं नहीं, बीमारी नहीं होती है इससे, माल चलता नहीं। तो आप क्या तनख्वाह पे यहाँ? हाँ। क्या वेतन आपका है? 200 रुपए रोज। 200 रुपए प्रतिदिन? जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ कितने लोग रोजगार करते हैं बाहर से आके? बाहर से आके तो फिलहाल हम ही इकले हैं। आप अलावा और लोग भी होंगे? ये और लोग तो बेचारे गद्दे डालने वाले यहाँ के ही हैं। इन लोकल हमारे पास के ही? हाँ। अच्छा अच्छा, और अगर कोई करना चाहे? हाँ तो हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो मशीन की लागत कितने में लग जाती लगभग? मशीन मान के चलो आप 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए एक मशीन लगाएगा, बाकी कच्चा माल भी लगाने का काम शुरू कर देगा, बाकी कच्चा माल। मतलब 2 लाख रुपए लगा दे, काम चालू हो जाएगा। जी जी जी। चलिए अब आगे देखते हैं। बेटा तुम भी काम करते हो? हाँ। क्या करते हो? यहाँ पर रहते हैं। और भाई साहब? हाँ जी भैया, बोलो। क्या आप दिहाड़ी पे हैं? नहीं भैया, हम अपना काम करते हैं, जितना करते हैं इतना लेते हैं। अच्छा, ये पीस का हिसाब है? पीस का हिसाब भैया। क्या पीस है इसका भैया? 80 रुपये। 80 रुपये पर पीस। दिन में कितना तैयार कर लेते हैं? दिन में वही 12-13। 12-13? हाँ जी। चलिए, तो घर यहीं आस पास ही? हाँ भैया है।
नहीं बोलना पड़ेगा आपको। नहीं बोले। आप कितना लेती पर पीस का? पर पीस आप सिलाई करती हैं तो आपको कितना मिलता है? हमारा पीस रेट है क्या? 10 रुपए पीस है। 10 रुपया पीस है। हाँ। दिन में कितना तैयार कर लेती हैं आप? एक कोई 20-25 पीस। 20-25 पीस। तो रहने वाली कहाँ आप हैं? यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के। अच्छा, अगर भविष्य में कोई करना चाहे तो अच्छा काम है? हाँ क्यों अच्छा काम नहीं है, मेहनत करके खाने में कोई बुराई थोड़ी ना। कोई बुराई नहीं है मेहनत करने से, चोरी ना करो बस, मेहनत का काम करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस यही है। सही बात आपने कहा, चोरी नहीं करना है, मेहनत करके खाओ। मेहनत करने में कोई शर्म नहीं है, मतलब दिहाड़ी अच्छी खासी बन जाती है आपकी? हाँ, घर बैठने से तो अच्छा है, कम से कम कुछ तो निकल जाता है घर से अपना। जी, तो लोकल में आप ही जो 7-8 लोग हैं? हाँ, लोकल के हम 7-8 लोग। तो माल बन के ही आसपास जाता है? दूर दूर भी जाता है। अच्छा, अपने जिले में ही रहता है लेकिन? अच्छा, जिले में ही रहता है। अपने जिले में ही रहता है। अच्छा अपने जिले में ही जाता है। यहाँ यही गद्दे या टेंट वाले भी बनते हैं? टेंट के भी बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं गद्दे मोटे वाले, घरेलू यूज के होते हैं। हाँ, घरेलू यूज के भी होते हैं, रजाई भी बनती है, फॉर्म वाले गद्दे भी बनते हैं। तो सिलाई आप यही करते हैं या कपड़े वगैरह भी करते हैं? बस हम यही से, फुर्सत नहीं मिलता तो कपड़े वगैरह। अच्छा अच्छा, आते हैं शाम को जाते हैं। चलिए ठीक है, डेली का हमारा काम यही है। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामना, करते रहिए। और भैया ठीक हो बेटा? कितना पीस आपकी है? हमारा जो है 12-13। 12 रुपया? क्या, कितना रुपया पीस पाते हो? यही 60-70 रुपया। 60 रुपया? 70 रुपया। 70 रुपया। कितना किस कर लेते हो रोज? वही जो 12-13। 12-13। चलिए अच्छी तरह करिए मेहनत से। अगर कोई करना चाहे उसको सलाह दोगे करने के लिए? हाँ क्यों नहीं। पढ़े नहीं? हाँ पढ़ा हूँ, काम भर। पढ़ाई नहीं किए? किया हूँ काम भर। आगे क्यों नहीं पढ़े? ऐसे ही मजबूरी आ गई। नहीं, अगर फुर्सत हो तो पढ़ाई भी कर लीजिए। टाइम नहीं मिलता। नहीं, पढ़ाई करिए अगर है तो। चलिए और मैडम, आप सबसे पुरानी लग रही हैं। कितने दिन से आप ये काम कर रही हैं? 7 साल। 7 साल से यही कर रही हैं? इससे पहले कहाँ करती थी? नहीं, किधर नहीं करता था, हैदराबाद में। आप हैदराबाद की हैं? ओवैसी के शहर की? ओवैसी साहब की? अच्छा, तो ओवैसी साहब को जानती हैं? नहीं। नाम तो सुना होगा आपने? नाम सुना है। अच्छा, ओवैसी साहब का नाम सुना है। अच्छा, तो काम है आप वहाँ करती थी? हाँ करती। शादी होने के बाद भी घर में करता था, पंखा का, टेबल पर जाता काम करता था। अभी इधर आने के बाद मेरा आदमी गुजर गया था। अच्छा, फिर मैं इधर ही रही। दुख का समाचार है। हाँ, गुजर गया था। अभी 3 बच्चा, लड़का, ये लड़का हमारा है। अच्छा, ये पढ़ नहीं पाया, मम्मी पापा नहीं है, किस लिए बोल के पढ़ाई छोड़ दिया, जब से काम पे लगा दिया काम। फिर हम भी सिलाई करता था, 2 लड़की है, लड़की 10 में पढ़ रहा है, छोटकी 5 में पढ़ रहा है। अभी अभी वैसे वैसे गुजरा हो गया। तो अच्छी कमाई हो जाती है? हाँ कमाई हो जाती है, कमाई हो जाती है। अच्छा। हाँ, काम रहे तो लगन में तो 10,000, 8,000, 7,000 वैसे हो जाता। अच्छा, अच्छा। हाँ, अभी मेरा लड़का भी कर रहा, हम भी कर रहा, दोनों जने अच्छे से। चलिए करिए, बहुत शुभकामना हमारी तरफ से, थोड़ा वहाँ बात करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है भैया, धन्यवाद।